arrogance of a roof can hardly be compared to anything else. मैं समय द्वापर युग की समाप्ति के बाद हमने कलयुग में प्रवेश किया और इसी युग में भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए यहाँ जन्म लिया अनेक राजवंशों ने, जिनमें से प्रमुख हैं चौल राजवंश, चालुक्य, मौर वंश, पल्लव वंश इत्यादि। इन्हीं के राज्यकाल में भारत कला, साहित्य और वास्तुकला के चरम पर पहुंचा और भारत ने उन्नति के अपने स्वर्ण काल को देखा। इसी समय भारत में जन्म लिया अनेक योद्धाओं और विद्वानों ने, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इनमें से कुछ शूरवीर थे चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप और अहिल्याबाई। इसी के साथ भारत में कई विद्वानों ने भी जन्म लिया। चाणक्य जैसे नीति शास्त्री, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और पतंजलि जैसे योग शास्त्री। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस धन्य भारत भूमि पर जहाँ विदूषकों ने जन्म लिया। Wow, समय has informed us about great dynasties and invasions, due to which multiple religions flourish in our country. But do you know, Trivisha, what is special about our country? What? हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, क्योंकि भारत में भाषाएं अनेक, फिर भी भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, राज्य अनेक, लेकिन भारत एक। This makes us realize that our upcoming performance is about religious harmony. So let's gear up to witness the secularism of pride of our nation through this mesmerizing performance. है धरती अंबर सितारे, उसकी नजरें
मार्कण्डेय उवाच प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च مبارك
ਟੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ ਉਹ ਟੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ